बी सी सी आर, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0 और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पी डिवाइडेड बाय पी माइनस ए प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस बी प्लस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस सी, इसका वैल्यू निकालना है, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सीबीएसई 2014। अगेन सीबीएसई देख के तो नहीं डर गए। अच्छा अब देखो यार, यहां पे अगर हमें सॉल्व करना है, व्हाट शुड बी आर अप्रोच। बी माइनस ए लाना होगा, क्यू माइनस बी चाहिए, आर माइनस सी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट दोज एक्सप्रेशन जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। आदर्श मैसेज दिख रहा है, मैसेज दिख रहा है, बट नेटवर्क का इशू इतना था कि आप 1 घंटे बाद जो निकले उसके बाद आए नहीं थे। सिद्धांत तो रिप्लाई कर ही नहीं रहा है, क्या बोलेगा वो। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, आपका मैसेज निकल गया होगा। ओके, तो चलो शिवम, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमारा टारगेट क्या रहेगा। निधि, शिवम, व्हाट शुड बी आवर टारगेट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्वियसली जो एक्सप्रेशंस हमें दिख रहे हैं ना, हमको वो एक्सप्रेशंस लाने पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अभी ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 दी हुई है। इसके हेल्प से ये निकालना तो मुझे डायरेक्टली नहीं दिख रहा। ऑब्वियसली हम बाद में कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो मुझे P के साथ Q माइनस बी और R माइनस सी मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो चलो वो हम बाद में देखेंगे अपना, ठीक है। एज ऑफ नाउ इस डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ इस डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं, एंड लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑपरेशन लगाए। लेट्स से R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 कर देते हैं, एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 कर R2 कर देते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे R2 को कोई चेंज नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनी चेंज इन द R2। तो सबसे पहले R2 को लिख लेता हूं A Q C। नाउ दिस विल हैव अ P माइनस A हेयर, फिर यहाँ पे B माइनस Q और यहाँ पे 0। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो R3 माइनस R2 रखा हूं तो 0, B माइनस Q एंड आर माइनस सी, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रो में मैक्सिमम जीरो लाने की कोशिश करूं तो क्या ऑप्शन है मेरे पास। Yes, अब जो मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि हम ये कर सकते हैं कि R1 माइनस R2 कर दे, नहीं लेकिन उससे जीरोस नहीं होंगे ना। आई थिंक सीधा जीरो होने का और कोई चांस नहीं दिख रहा। R2 माइनस R3 करेंगे तो 2 जीरोस आएंगे, कैसे किसी भी सर पॉइंट वो पे। हम फर्स्ट स्टेप में ही बोल रहे थे। फर्स्ट स्टेप में अगर करते तो R1 को R1 माइनस R3, तो A1 और 2B, वहां पे सर B माइनस B 0 हो जाता, हाँ और A21 के लेकिन जगह पे भी लेकिन 0। ये सी सी के जगह फिर सी माइनस आर रहता ना। अभी जो 0 दिख रहा है आपको मेरे वहां पे A13 का, वो 0 दिख रहा है अभी, लेकिन आपके स्टेप से वो सी माइनस आर हो जाएगा, यस सर, ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है कि अल्टीमेटली हम और यहाँ पे जीरोस नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर एक्सपेंशन। ऐसे भी मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि देखो ये जो जितने एक्सप्रेशन है ना, अगर हम देखें तो ये P माइनस A यहाँ पे प्रेजेंट है, ये Q माइनस B कहीं ना कहीं ये B माइनस Q बन के यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर ये जो R माइनस C चाहिए
ये भी यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे अभी कंफर्टेबल हूं मैं इसको एक्सपैंड करने पे। और डेफिनेटली ये जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैक्सिमम जीरोस करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम अदर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर एक्सपेंशन ना। अब एक्सपेंशन हम किसी के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, लेट्स से वी डू इट अलॉन्ग रो वन ही कर लेते हैं। चलो तो एक्सपेंड अलॉन्ग रो वन, तो अगर हम रो वन के अलॉन्ग अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, सो नाउ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल कम आउट टू बी पी माइनस ए पहले रहेगा, और ध्यान से देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू इंटू आर माइनस सी इंटू बी माइनस क्यू, उसके बाद आएगा माइनस अगला टर्म के लिए दैट इज बी माइनस क्यू, तो माइनस आएगा बिकॉज वो को फैक्टर के लिए। अब इसका माइनर लिखते हैं, तो ए इंटू आर माइनस सी, ए इंटू आर माइनस सी, और ये जीरो है। ठीक है, तो अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, एंड आई नो दैट दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। So, अगर फिलहाल के लिए भी एक बार ब्रैकेट ओपन कर देता हूं ताकि देखिए क्या क्या पेयर्स बन रहे हैं, तो P माइनस ए इंटू आर इंटू सॉरी दिस इज Q R माइनस सी, उसके बाद माइनस P माइनस ए इंटू सी इंटू बी माइनस क्यू, फिर से माइनस, अब आ रहा है बी माइनस क्यू ए आर माइनस सी, दिस इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक है, पी क्यू आर चाहिए ऊपर, सर अगर P माइनस ए इंटू आर माइनस सी इंटू बी माइनस क्यू से इस टर्म को डिवाइड करें तो आ जाएगा। देखो यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि अगर इस जो क्वेश्चन है, ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा पी माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस सी, तो ये मेरे डिनोमिनेटर में आएगा। एज ऑफ नाउ हमारा जो इक्वेशन आया है उस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हमारी यहाँ पे थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम डिनोमिनेटर्स को लेकर आए। ठीक है, हमारा यहाँ पे थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को लेकर आए, और किससे डिवाइड करेंगे, तो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं उन्हीं से डिवाइड करना है। सो पी माइनस ए क्यू माइनस बी एंड आर माइनस सी, तो अब यहाँ पे मेरा अगला स्टेप क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ठीक है, सिर्फ एक साइड तो कर नहीं सकते, इक्वेशन है, बैलेंस करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी माइनस ए फिर क्यू माइनस बी एंड आर माइनस सी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बी माइनस क्यू आ रहा है लेकिन मैं क्यू माइनस बी से डिवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस, तो अब हमारे पास एक्चुअली में क्या रहेगा, अब देखो मैं डिवाइड एक बार में कर भी दे रहा हूं, ठीक है, तो P माइनस ए है यहाँ पे R माइनस सी है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा Q डिवाइडेड बाई Q माइनस बी बचेगा। फिर यहां देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज जब हम इसको इस पूरे से डिवाइड कर रहे होंगे, इमेजिन करो थोड़ा सा, तो दिस P माइनस ए दिस P माइनस ए विल गेट कैंसल, दिस Q माइनस बी विल गेट कैंसल विद दिस B माइनस Q एंड यू विल गेट अ माइनस वन, तो माइनस वन और ये माइनस सी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा वो प्लस सी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, तो डिनोमिनेटर में रहेगा आर माइनस सी, डिनोमिनेटर में रहेगा आर माइनस सी। एंड सिमिलरली लास्ट वाले में क्या दिख रहा है मुझे,
तो b माइनस क्यू अगेन सेम फंडा प्लस हो जाएगा, a b माइनस क्यू, क्यू माइनस बी कैंसिल, r माइनस सी कैंसिल, तो बचा कितना p माइनस a बचा, दिस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है फिलहाल. ओके बट आई डोंट थिंक दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग. क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर पी क्यू आर होना चाहिए और हमारे यहाँ पे भी क्या है ए क्यू सी दिख रहा है. यहाँ पे अब जो हमको चाहिए वो कैसे लिख कर आए, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक ऑब्जर्व करोगे तो क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस बी तो सही है राइट, सी डिवाइडेड आर माइनस ए. सर वो a by p minus a ना वहाँ पे plus r और minus r करना होगा. हाँ वही, मतलब एक छोटा सा manipulation यही करना है कि अब जैसे p minus a जिसका denominator है उसके numerator में p दिख रहा है, लेकिन हमारा p minus a के numerator में क्या दिख रहा है, a दिख रहा है. सो द छोटा सा manipulation जो हमको actually में करना है, see ये वाला term हमको चाहिए तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे. अब मैं कह रहा था पहले इसके बारे में, तो p minus a जो दिख रहा है ना हमको ऊपर में क्या चाहिए, हमको इसके ऊपर में चाहिए p चाहिए, अभी a है तो क्यों ना हम a माइनस पी प्लस पी कर दे, हम a माइनस पी प्लस पी कर दे, छोटा सा मैनिपुलेशन है. सिमिलरली यहां पे भी हमको ऊपर r चाहिए तो हम क्यों ना c माइनस r प्लस r कर दे, ठीक है. फिर q डिवाइडेड बाई q माइनस b तो यहां रहेगा, यहां पे क्या करने वाले हैं तो यहां हम अब इसको अलग अलग करेंगे, c माइनस r डिवाइडेड बाई आर माइनस सी हो जाएगा, दिस विल बी सी माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस सी प्लस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस सी. सिमिलरली यहां पे भी अलग अलग कर देना न्यूमरेटर्स को, कौन सा अलग करना है सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से ताकि वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो सके. सो ए माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस ए यहां पर रहेगा प्लस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस ए यहां पर रहेगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो फाइनली अगर हम इसको चेकआउट करें तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस वन, दिस विल कम आउट टू बी माइनस वन. अब इस माइनस वन को अगर हम राइट साइड भेजते हैं तो प्लस वन बनेगा, वहां टू हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे p डिवाइडेड बाई p माइनस ए प्लस q डिवाइडेड बाई q माइनस बी प्लस r डिवाइडेड बाई r माइनस सी इज इक्वल टू टू हो जाएगा. शिवम निधि क्लियर है क्या, मतलब यहाँ पे पहले तो हमने नॉर्मल क्या किया, एक रो ऑपरेशन लगाया फिर हमने एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करने के बाद हम इस पोजीशन पे आए, ये जो रेड कलर से जस्ट ऊपर में जो लिखा हुआ है वहां पे कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं था, बट हमको जो एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है उसमें डिनोमिनेटर्स थे, तो इसलिए डिनोमिनेटर्स को लाने के लिए हमने इक्वेशन के दोनों साइड कुछ फैक्टर से डिवाइड किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैनिपुलेशन किया टू गेट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट इन द क्वेश्चन. ओके शिवम को समझ में आ गया, निधि समझ में आ गया, ठीक है. तो ये हो गया अपना 50 डन, 50 के बाद था रियव ने 51 दिया है, शो दैट x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड सॉल्व इट कंप्लीटली. रिया 51 ना, मैं अभी सबके डाउट बताने के बाद मैंने अपने लिए आप लोगों के लिए मतलब यही प्लान किया फैक्टर थ्योरम, तो एक बार फैक्टर थ्योरम समझा कर मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना तो वो आपके लिए और सबके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है. तो लेट मी टेक द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम फर्स्ट एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है. अभी वो उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कम्प्लीटली प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है. तो 51 के बाद है 52 का 9. निधि आपने भी 51 पूछा हुआ था, थोड़ी देर में करते अपन 52 का 9. सिद्धांत तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है क्या, सिद्धांत पूरा खत्म कर चुके हो? यस शिवम एग्जैक्टली, बट हो सकता है उसने नहीं पढ़ा हो तो एक बार मैं बता दूंगा. 52 का 9, वी हैव 3 माइनस 7 माइनस 11, 3 माइनस 7 माइनस 11,
फिर माइनस टू एट फोर्टीन, माइनस टू एट फोर्टीन एंड साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा टू, साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा एंड टू, दिस इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है क्या, सॉल्व करना है। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालने में निधि कह रही है 52 का 9 सर डायरेक्ट एक्सपेंशन से बन गया, बट इफ प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। निधि अब जैसे यहां पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ प्रॉपर्टी कौन सा लगते हुए दिख रहा है मुझे, बस एक ही प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ, रो टू को डबल किया और रो वन के साथ ऐड किया, बट उसमें भी कॉलम वन और कॉलम टू का बार बार ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है। क्या कह रहे हैं कॉलम वन सर, यहाँ पे शीट थ्री वन और थ्री टू का जो प्लेस है वहाँ पे जीरो जीरो आ जाएगा। हाँ मतलब आप कह रहे हो पूरा सी वन और पूरा सी टू जीरो हो जाएगा। नहीं 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 थ्री वन, ये थ्री वन माइनस इलेवन और फोर्टीन के प्लेस पे जीरो हो जाएगा। बार बार ऑपरेशन करने पर। अच्छा हाँ, बट यहाँ पे क्या है ना शिवम, अल्टीमेटली ये ऑलरेडी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्लियरली थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एक पॉइंट पे हमको एक्सपेंड कर। हाँ रहने दीजिए सर, जीरो ही मेरा आ गया था एक्सप्रेशन, हम देख नहीं, सॉरी सर, वो जीरो नहीं देखे थे, इक्वेशन ही नहीं मिल रहा था मेरे को। ओके, वही तो दिया हुआ है ना इक्वल टू जीरो, मेरे को इसको वो करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है जिसके कारण ये इक्वल टू जीरो होगा पूरा डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिए लेकिन इन सब चीजों का, ये सब बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो। नेक्स्ट 51 के बाद 52 का 9 था, फिर 54 पूछा है, इसको रिमूव कर दिया जाए। If this determinant is equal to zero, then using the properties, find the value of a by x plus b by y plus c by z. A divided by a minus x, a minus x. I think Nidhi, यहाँ पे भी मुझे सेम लग रहा है जो हमने पिछले वाले में किया था। Similarly यहाँ पे b minus y, b माइनस जेड, दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू जीरो ना। क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं, फर्स्ट थिंग मुझे दिख रहा है कि इफ आई ट्राई टू मेक जीरोस तो आई कैन गो फॉर गाइज, अगर मैं कॉलम्स को ऐड करूं, कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, बिकॉज द थिंग विच आई एम एबल टू सी इज दिस, लेट मी शो यू। मुझे ये दिख रहा है कि अल्टीमेटली इनको ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस वाई माइनस जेड। सेम अगर, अच्छा यहाँ पे लेकिन यहाँ एक्स और वाई, एक्स और जेड आ रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई आ रहा है, ठीक है, नहीं कॉमन नहीं निकलेगा यहाँ पे। सेकेंड थिंग, अगर हम रो वाइज करेंगे तो भी कोई फायदा है नहीं, वहां पे फिर से कुछ कॉमन नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज थिंक अबाउट जीरोस, पहले ज्यादा जीरोस बना ले और उसके बाद उसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमको जो क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। तो चलो फिर करते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से पहले एक छोटा सा ऑपरेशन लगा ले यहाँ पे, रो वन लेट से, या रो टू चेंजेस टू रो टू प्लस रो थ्री कर देते हैं, रो टू चेंजेस टू रो टू प्लस रो थ्री कर देते हैं, एंड साथ ही साथ रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस रो थ्री कर देते हैं, देखते कुछ फायदा होता है इससे, एटलीस्ट कुछ तो जीरोस बनेंगे। तो बेसिकली मैंने सबसे पहले यहां पे रो थ्री में कोई चेंज नहीं किया,
तो रो थ्री को पहले एज इट इज लिख देते हैं, ए माइनस एक्स बी माइनस वाई एंड उसके बाद आया सी। अब रो वन में हम रो वन प्लस रो थ्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा टू ए माइनस एक्स, यहाँ पे तो जीरो हो गया, यही इसीलिए किया था मैंने वैसे, और यहाँ मिलेगा टू सी माइनस एट। सेकेंड रो टू में देखेंगे तो रो टू प्लस रो थ्री, ओहो इट शुड हैव बीन रो टू माइनस रो थ्री, एक मिनट हाँ, इट शुड हैव बीन रो टू माइनस रो थ्री, क्योंकि तब a माइनस एक्स ए माइनस एटलीस्ट कटेगा तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली b माइनस ऑफ दिस थिंग, तो b बी विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे एक सिंपल y बचेगा, c माइनस जेड माइनस सी, तो यहाँ पे एक सिंपल सा माइनस z बचेगा। ओके तो चलो दो जीरो तो मिल गए, लेट्स थिंक और कुछ हो सकता है पॉसिबल यहाँ पे, नहीं और कुछ करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सो नाउ वी शुड गो फॉर व्हाट, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करते हैं। तो इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू टू ए माइनस एक्स, दिस थिंग विल गेट मल्टीप्लाइड विद वाई सी, बिकॉज ऑफ माइनस जेड है तो प्लस जेड हो जाएगा राइट, फिर नेक्स्ट वाला जीरो है और उसका अगला वाला है टू सी माइनस जेड, टू सी माइनस जेड में ये हमारे पास जीरो माइनस दिस, तो दिस विल बी समथिंग लाइक माइनस वाई, इसको ऐसा कर देते हैं माइनस वाई रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड है यहाँ पे ठीक है, मल्टीप्लाइड है माइनस वाई ए माइनस एक्स। यहां से लाना है x by a plus b by a by x plus b by y plus सर थोड़ा स्लाइड ऊपर ही कीजिए ना एक मिनट सर, अगर r1 plus r3 करेंगे तो b minus y plus b minus y हो जाएगा, तो सर वो तो जीरो नहीं हो पाएगा, r1 minus r3 करना पड़ेगा ना। ओके 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 यस 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 मेरा थॉट था जीरो करना, दिस विल बी आर वन माइनस आर थ्री, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी। R1 माइनस आर थ्री करेंगे तो यहाँ बचेगा सिंपल x, यहाँ पे आएगा जीरो और यहाँ पे c माइनस z होगा तो हमें मिल जाएगा वो माइनस z। ओके यस अभी हम थोड़ा और जीरो अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे R2 माइनस आर थ्री किए हैं तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा था y, यहाँ पे बचा था माइनस एट। अब और कुछ करने की जरूरत है, यहाँ पे और जीरोस तो बनते हुए नहीं दिख रहा है, अगर हम रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस, हाँ एक एक और काम हो सकता है वैसे, रो टू चेंजेस टू, बट उसमें क्या होगा कि हाँ रो टू चेंजेस टू, नहीं 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 और जीरोस नहीं बन रहा, एक जगह जीरो आ रहा तो एक जगह जीरो की जगह कोई टर्म आ जा रहा है, तो एक्सपेंड करते हैं। So basically we'll have x into yc plus z into b minus y, फिर जीरो जीरो हो गया, फिर माइनस z into ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस के कारण, एंड यू विल हैव अ y into a minus x। ठीक है यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो रही, आगे बढ़ते हैं, फिर सेम फंडा अगर लगाएंगे, डिनोमिनेटर अभी है नहीं,
तो पहले तो इसको एक रोवन के अलोंग कर रहे हैं। हाँ रोवन के अलोंग कर रहा हूँ। तो सर माइनस जेड, माइनस जेड होगा, लेकिन आप देखो कि उसके बाद जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस वाई आएगा ना वहां से। यस सर, यस सर, समझ। तो वो माइनस माइनस को मैंने उधर प्लस कर दिया। R2 में कह रहे दो जीरो हो सकता है R2 माइनस R1 करके, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो आनंद कि उससे ये जो जीरो दिख रहा है वहां पे माइनस एक्स भी तो आ जाएगा। जो जीरो दिख रहा है वहां पे माइनस एक्स भी आ जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं एंड देन डिवाइड डिवीजन वाला देख लेंगे। सो एक्स वाई सी प्लस एक्स जेड बी माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड ए माइनस एक्स वाई जेड। सो निधि आप देख सकते हो कि यहाँ एक्स वाई जेड तो कट गया और हमारे पास तीन टर्म्स बचे हुए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगर आप, हाँ और नहीं 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 ये एक्स वाई जेड तो नहीं कट रहा, ओके ओके ये नहीं कट रहा, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, हम माइनस एक्स वाई जेड को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वहां पे प्लस टू एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई सी प्लस एक्स जेड बी प्लस वाई जेड ए यहाँ हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। और क्योंकि निधि मेरे को जो एक्सप्रेशन लाना है दैट एक्सप्रेशन इज सी अपॉन आई थिंक a upon x, b upon y, c upon z. तो हम xyz से डिवाइड कर देंगे दोनों जगह पे, xyz से दोनों जगह पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि c by z बचेगा, यहाँ पे b by y बचेगा और यहाँ पे a by x बचेगा और यहाँ फाइनली आया 2, ठीक है। तो देख सकते हो एग्जैक्ट लास्ट वाला ही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट लास्ट वाला ही क्वेश्चन था। तो सिंपल से एक चीज सीखे हो क्या, मैंने दोनों क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाया, मैंने देखा कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर लाना था, तो डिनोमिनेटर लाने के लिए हमको कुछ चीज से डिवाइड करना था। इस क्वेश्चन के लिए भी डिनोमिनेटर लाना था तो उसको किसी चीज से डिवाइड करना था, और किससे डिवाइड करना था वो क्वेश्चन आपको पहले ही हिंट दे दिया क्योंकि उसने तीन टर्म्स दिए थे, एक का डिनोमिनेटर में जेड था, एक का वाई था, एक का एक्स था, मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड बन गया। पिछले वाले में हमने किससे डिवाइड किया था, तो तीनों के डिनोमिनेटर में जो था उसी के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड किया, ठीक है। तो दिस इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि इस तरीके के क्वेश्चंस में पहले तो हम डिटरमिनेंट को इक्वल टू जीरो करने के लिए वो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो हम सिंपल एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे को जो एक्सप्रेशन चाहिए विच इज अ काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैसे आए, ठीक है। हो गए सॉल्व, निधि कोई डाउट है यहाँ पे बताओ, बड़े आगे फिर। यस सर, समझिए, ठीक है। सो हाफ एन आवर गॉन नाउ, अब फोकस करते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। सर वो 2 का 17 बचा हुआ था यार, वो देखा ही नहीं मैंने 2 का 17। ये देख कर बताता हूँ, ये मैं कल देखना ही भूल गया था। आई थिंक 2 का 17 ही ये क्वेश्चन था ना जो कल नहीं हुआ था, ये देख कर बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो नाउ द टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम इन डिटर्मिनेंट्स। अब ये फैक्टर थ्योरम इन डिटर्मिनेंट्स कहीं ना कहीं आप लोगों ने जब आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे भी दिखा होगा फैक्टर थ्योरम, राइट। उसके बाद होता क्या है यहाँ, तो हम नॉर्मली डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज, एक्सपेंड करते हैं, वी एंड अप गेटिंग अ सिंगल वैल्यू एंड सो ऑन। बट कभी कभार क्वेश्चन का जरूरी या कह सकते क्वेश्चन की नीड होती है कि हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा तो कल बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए थे जहां पे हमें फैक्टर्स दिखा था एक्स माइनस के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आना चाहिए एक्स माइनस वाई into y minus z into x minus z and so on, ठीक है। इस तरीके के आपको expressions वहाँ पे देखने को मिले थे जहाँ पे determinant इन factors के बराबर आ रहा था, तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ये,
एनसीईआरटी में अंजन नहीं है शायद, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर में हो सकता है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब ये फैक्टर थ्योरम वाला लॉजिक क्या है, तो याद कीजिएगा इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जब एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते थे, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो अगर हम इस x के जगह पे माइनस टू रख देते हैं तो ये बन जाता था माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, ठीक है, विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो, जो कि इक्वल टू जीरो निकल कर आता था। जब आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x का एक ऐसा वैल्यू रखते हो जिसके कारण वो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, देन उस केस में क्या बोलते हैं, x माइनस जो भी नंबर हमने रखा था, जैसे हमने माइनस टू रखा था, सो x माइनस जो भी नंबर हमने रखा था, जनरली हम पॉलिनोमियल में जब पढ़ते थे तो x माइनस a बोलते थे, अगर आपको याद होगा तो नाइन्थ टेंथ में वो x माइनस a बहुत डील किए थे रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में, सो x माइनस ऑफ माइनस टू, तो ये बेसिकली क्या हो गया, x प्लस टू बन गया, सो दिस x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स बोला जाता है, इट इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स बोला जाता था। तो जब हमने x के जगह पे एक ऐसा नंबर पुट किए जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया, तो उस केस में x प्लस टू ये फैक्टर बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली आपको याद होगा जब हमने मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया था तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, जहां पे आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रहता है बट वहां पे वेरिएबल जो रहेगा x के जगह पे एक मैट्रिक्स रहता था। एग्जांपल के तौर पे फॉर ए मैट्रिक्स, लेट से द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स आई, ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आदर्श पूछ रहे सर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, आदर्श ये सिर्फ एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो गया, लाइक इसको बोलोगे तो दिस इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, दिस इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे फैक्टर थ्योरम वो कहता है कि जब आपके पास इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं, इस तरीके के मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में इतने टर्म्स रहने चाहिए, सिंगल टर्म भी हो सकता है, एक मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स को भी हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब मान लो कि उस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स एक्स के पॉलिनोमियल है, मतलब एक्स के एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, सो इन दैट केस ये लाइन कह रही है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ डिटर्मिनेंट ए वैनिशेस फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब आप उस डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स थे एक्स के फॉर्म में, अगर हम एक्स के जगह पे एक नंबर डालते हैं ए जिसके कारण डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, एक्स के जगह पे एक नंबर डालते हैं ए जिसके कारण डिटर्मिनेंट जीरो हो जाती है, तो उस केस में हम कहते हैं दैट एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे रखता हूं वन वन वन, यहां पे मैंने रख लिया एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और यहां पे रख लिया मैंने ए ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि पुट एक्स इज इक्वल टू ए एंड इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो एंड इफ डिटर्मिनेंट ए कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है, ये कह रहा है कि पुट एक्स की जगह पे ए रखो और एक्स की जगह पे ए रखने के बाद अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाती है देन एक्स माइनस ए इज अ
फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो उस केस में जब आप उसको एक्सपेंड करोगे ना, उस केस में जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो वो x माइनस ए एक उसका फैक्टर निकल कर आएगा। ठीक है, आनंद कह रहा है कि सर हमेशा ए ही पुट करेंगे। आनंद ए तो एक कोई नंबर है, ये तो समझने के लिए एक नंबर है। अब मान लो मैं आपको एक सिंपल सा केस इसी के ऊपर एक सिनेरियो रखते हैं हम लोग। मान लो यहां पे है अच्छा आपको ये तो पता चल गया ना x के जगह पे a रखने से क्या होगा कि कॉलम टू और कॉलम थ्री सेम हो जाएगा, कॉलम टू और कॉलम थ्री सेम हो जाएगा। तो जब दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। मैं इसी एग्जांपल में देखो क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है। पुट x इज इक्वल टू वन, x के जगह पे वन रखो तो x के जगह पे वन रखने से क्या दिख रहा है, सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स वन हो गए, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स पहले से ही वन थे। तो पुट x इज इक्वल टू वन देन सी वन एंड सी टू आर आइडेंटिकल, है कि नहीं। तब सी वन और सी टू क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं। देन और आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, तब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन बेसिकली क्या करना, इसमें जो भी राइट साइड में नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो अगर वन है तो लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस वन हो जाएगा, अगर माइनस वन था लेफ्ट हैंड साइड लाते तो प्लस वन हो जाता। तो देयरफॉर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, बोलिए आ रहा है बात समझ में। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस वाज एग्जांपल टू। अब आप बताना क्या क्या फैक्टर्स निकल कर आएंगे। अच्छा इस कॉन्सेप्ट का यूज आप बोर्ड्स के लिए बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं कि कहीं पे लिख दिए यूजिंग फैक्टर थ्योरम, दिस इज ओनली फॉर जेई, क्वेश्चन आए हुए जेई में। चलो मेरे को बताओ इसके इसके क्या क्या फैक्टर्स निकल कर आएंगे। और भी आएगा शिवम, और भी आएगा, बहुत सारे आएंगे। देखो आनंद एक और आएगा, निधि दो और आएंगे, दिव्या दो, आद्य दो और आएंगे, दीप एक और होगा, राघवेंद्र एक और होगा, आशीष वन आंसर दियो, बढ़िया। क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था सिद्धांत, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस एक्स दे बोथ आर सेम फैक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स अलग नहीं होंगे, वो उससे डिटर्मिनेंट में एक्चुअली कोई हेल्प नहीं होगा। अंजन दो, अंजन ने सही लिखा है। देखिए तो फाइनली यहाँ पे कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं। तो अगर आप x के जगह पे y पुट करते हो, x के जगह पे y पुट करते हो तो देखो c1 is similar to c2, right? फिर x के जगह पे z पुट करना, तो x के जगह पे z पुट करने से क्या आ रहा है, c1 is similar to c3। उसके बाद पुट y is equal to z, y के जगह पे z रखते हो तो क्या होगा, C2 is similar to C3। तीन केसेस आ गए कि नहीं यार, तीन केसेस आ गए तो फैक्टर्स भी तो तीन हो गए। यस आदर्श, आनंद सही है। तो इस हिसाब से फैक्टर्स क्या क्या निकल कर आ गए, इसके लिए फैक्टर निकल कर आएगा x माइनस वाई,
इसके लिए फैक्टर निकल कर आएगा x माइनस z, इसके लिए फैक्टर निकल कर आएगा y माइनस z, ठीक है गाइस। तो कहने के लिए जब हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो दिस विल बी समथिंग ऑफ द फॉर्म x माइनस y इंटू x माइनस z इंटू y माइनस z। लेकिन एक और चीज, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसको ब्रेक करोगे तो ये निकल कर आएगा। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एक्स्ट्रा भी आए, ठीक है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एक्स्ट्रा भी आए। मेरे बगल में भी आर डी शर्मा है, मैं देखता हूँ कि क्या इसने यहाँ पे बात की है उसके बारे में, तो नहीं की, इसने उस एक्स्ट्रा के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सिंपल वाला केस लिया हुआ। तो देखो आरडी शर्मा से आई बिलीव आप लोग थोड़ा तो पढ़ चुके होंगे, तो आरडी शर्मा में क्या सिखाया हुआ है आपको कि एक्स्ट्रा हमेशा कांस्टेंट आता है, उसने बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा हमेशा कांस्टेंट आता है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली उसने एक ही पार्ट ऑफ क्वेश्चंस को डील किया है, ठीक है, बट देयर कैन बी और दो और केसेस है, तो मैं अभी उन दोनों केसेस के ऊपर बात करूंगा। बट उससे पहले टेल मी इज दिस क्लियर एवरीवन, क्या ये चीज आपको समझ में आया, व्हाट इज द मतलब ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड हाउ वी कैन फिगर आउट, ठीक है, सिंपल है एकदम, मतलब अभी तक कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। अच्छा, ये हर केस में क्योंकि कॉलम आइडेंटिकल हो जा रहे हैं तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको लिख पा रहे हैं। तो बढ़ते आगे हम, अब ये कुछ पॉइंट्स है जो हमको पढ़ना होगा और इसी पॉइंट में सारी चीजें मैंने मेंशन करवाई। x = 0 हो सकता है, x = मतलब सिर्फ कोई कांस्टेंट, हाँ x = 0 कह रहे हो और रख सकते हो, मतलब देखो क्या होता है कि हम ये कह सकते हो कि हम हमेशा एक नॉन जीरो कांस्टेंट पुट करते हैं, ठीक है, हमेशा एक नॉन जीरो कांस्टेंट पुट करते हैं। मुझे ऐसा सिनेरियो नहीं दिखा कि कहीं पे x आएगा, उस तरीके से हम ए की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ए भी निकल कर आ जाएगा फिर, ठीक है, तो हम जनरली एक नॉन जीरो कांस्टेंट को पुट करते हैं हमेशा, और उसके बाद हमारा टारगेट ये होता है ये शो करना कि वो किसी रो के साथ हमेशा सिमिलर आता है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सिमिलर हो जाता है फिर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली चीज आई थिंक मैंने कहीं देखा भी नहीं है, एंड हमेशा एक नॉन जीरो वैल्यू देखी है मैंने, ओके। यहां पढ़ते अब थोड़ा सा, दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल when we have to obtain the value of determinant in factors form, jab humko value of determinant ko factor form mein nikalna hota hai tab ye help karta hai. Second, if we substitute b for a in the determinant a, ek example hai, maan lo ki determinant a mein jahan jahan a tha wahan pe humne b rakh diya, and any two of its row or column becomes identical. To Raghavendra yahan pe ek point simple ye rakh sakte apan ki aap aisa cheez rakhte hai na जिससे कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, ठीक है। इनफैक्ट अगर नोटिस करोगे तो मैंने भी हर जगह वही केस रखा हुआ है, शिवम जीरो इज एक्चुअली नॉट अ फैक्टर ऑफ एवरी अदर थिंग ना, वन वन के लिए बात कर सकते थे, पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल वाली बात अलग है, ठीक है, पॉलिनोमियल वाली बात अलग है, और आपको ये चीज पता चलेगा अभी हम आगे डील करेंगे तो आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा। सो सॉरी इंटरनेट का इशू हो गया था। सो अब कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट में बी के इफ यू सब्स्टिट्यूट बी फॉर ए, ए के जगह पे अगर हम बी रख देते हैं और उसके कारण अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो गया, मतलब डिटरमिनेंट जीरो हो गया, डिटरमिनेंट जीरो होने का मतलब ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
टाइम दूंगा इसको नोट करने का, ये इनफैक्ट आप चाहो तो, अरे हाँ इस पॉइंट को नोट करो तो सबसे पहले इसके ऊपर आगे क्वेश्चन आएंगे। थर्ड पॉइंट को नोट करो, थर्ड पॉइंट कह रहा है इफ आर रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन अ डिटरमिनेंट, अगर आर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल हो जा रहे हैं जब आपने एक्स के जगह ए पुट किया। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जब हमने पिछले वाले केस में एक्स के जगह पे वाई पुट किया था तो एक कॉलम, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हुए थे, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हुए थे, तो एक्स माइनस वाई के ऊपर एक तरीके से ये कह सकते हैं पावर वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वाई टू द पावर वन एक फैक्टर बना था। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने एक्स के जगह पे ए पुट किया और आर कॉलम्स या आर रोज आइडेंटिकल हो गए तो उस केस में फैक्टर सिर्फ एक्स माइनस, उस केस में फैक्टर सिर्फ एक्स माइनस ए नहीं होगा, उस केस में फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस ए टू द पावर आर माइनस वन। तो जितने भी रोज आइडेंटिकल निकल कर आते हैं उससे एक कम पावर जाएगा, जितने भी रोज आइडेंटिकल जाते हैं उससे एक कम पावर रहेगा, ये रूल हम फॉलो करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे है जो पिछले में हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, तो जब हमने एक्स के जगह पे ए पुट किया था तो दो रोज आइडेंटिकल हुए थे, दो रोज आइडेंटिकल होने के कारण हमारा फैक्टर क्या बनना चाहिए था, एक्स माइनस ए टू द पावर टू माइनस वन, एक्स माइनस ए टू द पावर टू माइनस वन एंड टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये उसी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा कह सकते हो जनरल केस ले लिया हम लोगों ने, और ये इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जितने भी चीजें होती हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इट्स डिटरमिनेंट इज सेड टू बी इन साइक्लिक सिमेट्रिक फॉर्म इफ ईच रो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट रो बाय चेंजिंग द वेरिएबल साइक्लिकली। ये कह रहा है कि साइक्लिक फॉर्म में जो डिटरमिनेंट दिखते हैं ना, जहां पे हमको दिख रहा होता है रिपीटेशन दिख रहा होता है, ये कह रहा है कि अगर रो वन में हमने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया साइक्लिक ऑर्डर में तो हमको लेट से दूसरा रो मिल गया, और कोई वेरिएबल डाला तीसरा रो मिल गया, तो इस तरीके के मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट्स को हम कहते हैं कि वो साइक्लिक सिमेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, बेसिकली वहां पे एक सिमेट्री दिख रही होती है, एक ऑर्डर दिख रही होती है, और ये जितने भी फैक्टर्स वाले जो हम फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं वो वहां पे हेल्प करता है। आदर्श पूछ रहा है एट अ टाइम बोथ रोज एंड कॉलम सेम हुए बट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट हो देन व्हाट विल डू। आदर्श ये लाइन समझा नहीं मैं, जो आइडेंटिकल नंबर ऑफ रोज या कॉलम है फिर वो एट अ टाइम दोनों सेम हुए, मतलब रोज और कॉलम दोनों सेम? नहीं नहीं, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने जब एक्स के जगह पे ए पुट किया था, इधर ही देखो एक्स के जगह पे वाई पुट करोगे तो आपको पहला कॉलम और पहला दूसरा कॉलम आइडेंटिकल मिला है, कहीं पे भी कोई रो किसी के साथ आइडेंटिकल नहीं मिलेगा। आप कह सकते हो वैसे यहाँ पे पहला रो और दूसरा रो भी आइडेंटिकल हो रहा है। ठीक है, तो कहने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वाला फंडा है सर, तो उसमें अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम अलग हो गया तो उसमें क्या करें? अलग नहीं होगा, होगा ही नहीं वो वाला केस। ठीक है, हाँ, फोर्थ का एक एग्जांपल, फोर्थ का एक एग्जांपल चाहिए, ऐसा केस रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए बी कहने के लिए अगर मैं ए बी सी ए ये वाला ऑर्डर चल रहा है, राइट? तो अगर हम इस तरीके से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे तो हमको अगला रो मिलते रहेगा, तो ये केसेस हो गए साइक्लिक वाले। ठीक है आनंद, नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टी नंबर फाइव, और यही पे सारा अपना कह सकते हो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव ये कह रहा है इफ द डिटरमिनेंट इज इन साइक्लिक सिमेट्रिक फॉर्म एंड इफ एम इज द
डिफरेंस बिटवीन, इस लाइन को समझो फिर हम एग्जाम्पल से इसको समझ जाएंगे अच्छे से. एम इज द डिफरेंस बिटवीन द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स. तो जितने भी फैक्टर्स थे जो हम फैक्टर्स निकाले उनको मल्टीप्लाई करके जो डिग्री निकल कर आएगी एक तरीके से, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन. तो ये फैक्टर्स हमें सब्स्टिट्यूशन से हम ऑब्टेन कर रहे हैं. एंड द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. तो आपको दो काम करना है. पहला, जो हमने सब्स्टिट्यूशन करके जितने फैक्टर्स निकाले उन फैक्टर्स को तो हम वहां पे मल्टीप्लाई कहने के लिए उन फैक्टर्स का हम डिग्री निकालेंगे. जैसे इधर का एग्जाम्पल लेता हूं, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए हमने कितने फैक्टर्स निकाले, 1, 2, 3. हमारे जो भी फैक्टर्स यहाँ पे सब लीनियर लीनियर टर्म्स वाले हैं. तो कहने के लिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 डिग्री का वो मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा, टर्म्स मिलेगा. तो यहाँ पे ये डिग्री हो गई 3, फैक्टर्स के प्रोडक्ट का डिग्री हो गया 3. दूसरा काम क्या बोला है, एंड द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग डायगनल. तो लीडिंग डायगनल के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो लीडिंग डायगनल के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का मतलब यहां क्या होगा, यहां पे लीडिंग डायगनल हो जाएगा आपका ये वाला A11, A22, A33, A11, A22, A33, ठीक है. अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ध्यान से देखो, x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब कितना हो गया, टोटल पावर हो गया 6. लेकिन अभी हमारा जो डिग्री आया था फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, वहां पे पावर कितना है, वहां पे पावर है 3, ठीक है. तो ये दो चीजों को कैलकुलेट करके हमको डिफरेंस निकालने के लिए दिया है, हमें डिफरेंस निकालना है. इस डिफरेंस से हम करते क्या है, सो इफ द डिफरेंस इज 0. अब आपको तीन केसेस के बारे में हमें मेनली देखना होता है कि अगर ये दोनों डिफरेंस 0 है, मतलब लीडिंग डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके हमारा डिग्री जितना आया, हमारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी उतना ही डिग्री आया, तो उस केस में वो डिफरेंस होगा 0. तो उस केस में आपका जो रिक्वायर्ड फैक्टर होगा, जो आपको एक्स्ट्रा, जो मैं कह रहा था ना उस टाइम पे हमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना होता है, ये जो मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा था, जो आपके आर डी शर्मा में भी वो लैम्डा का वैल्यू निकाल रहे, तो दैट एक्स्ट्रा फैक्टर विल बी जस्ट अ कॉन्स्टेंट, इट विल जस्ट बी अ कॉन्स्टेंट. सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर डिफरेंस आया 1, डिफरेंस आया 1 का मतलब मान लो आपने फैक्टर्स का प्रोडक्ट किया, वहां पे डिग्री आया 3, लेकिन लीडिंग डायगनल के टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, वहां पे डिग्री आया 4. तो अब इसका डिफरेंस कितना है, अब इसका डिफरेंस है 1. तो उस केस में उन फैक्टर्स जो आपने निकाले 3 फैक्टर्स, उसके साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट विल बी के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. और फिर हम वहां पे k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. थर्ड केस कह रहा है कि इफ m इज 2, अगर m का वैल्यू 2 आया, मतलब अब आपने फैक्टर्स की डिग्री निकाली थी, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके डिग्री निकाला, वहां आया 3, और अपने लीडिंग डायगनल्स के एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन किया, वहां पे मान लीजिए डिग्री आया 5, ठीक है, यहां 3 था वहां 5, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2. तो जब डिफरेंस 2 आएगा तो आपको उस 3 फैक्टर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उन 3 फैक्टर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे आपको k का वैल्यू एंड l का वैल्यू फिर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, k का वैल्यू और l का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. इसको हम एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के हेल्प से ज्यादा अच्छे से और समझ पाएंगे. यस आदर्श, फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है बेसिकली, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर.
तो जैसे यहां पे अगर हम लीडिंग डायगनल, देखो लीडिंग डायगनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 1 × x² × y³ जैसा सीन होगा, ठीक है। अब यहां पे डिग्री कितना हुआ, यहां पे डिग्री हो गया 5, ठीक है। डिग्री इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द पावर्स, यस आनंद, m का वैल्यू 2 होगा। डिग्री विल बी, देखो यहां पे डिग्री कैसे ट्रीट करोगे, सो दैट विल बी सिंपली सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ अ टर्म, ठीक है, सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन अ टर्म। तो एक टर्म में मान लो 4 वेरिएबल्स है, चारों वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड करोगे वो उस टर्म का डिग्री कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फैक्टर वाला फंडा लगाए तो फैक्टर तो हमने अभी लास्ट वाले में देखा था, इसके कितने फैक्टर्स निकल कर आए थे, अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो वो एक फैक्टर हो जाएगा, तो x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर। x के जगह पे y पुट करेंगे तो वो एक फैक्टर हो जाएगा, तो x माइनस y विल बी अनदर फैक्टर, एंड देन y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो और एक निकल आएगा। सो ये 3 फैक्टर्स निकल कर आ गए। अब यहाँ पे जब 3 फैक्टर आए, उसके अंदर में सारे टर्म्स ऐसे भी आपके लीनियर है ना, मतलब पावर 1 वाले हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज 3, ओके। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से, जो स्टेटमेंट के हिसाब से हमने बात किया था, m कैलकुलेट करना है। m क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ द डिग्रीज। तो यहां पे m का वैल्यू क्या होगा, हियर m विल बी इक्वल टू 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। m का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगर m का वैल्यू 2 है तो आपको ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज k टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस l टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो एक बार अभी इसको नोट कर लो सबको, क्वेश्चंस में इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ बोलो आदर्श। लीडिंग डायगोनल में सर सिर्फ वेरिएबल का पावर देखेंगे, डिग्री कह सकते हो कि कांस्टेंट्स का पावर 0 होता है, कांस्टेंट्स में पावर 0 होता है, ठीक है, वेरिएबल का पावर 0 होता है। इसको नोट कर लो तो ताकि हम क्वेश्चंस पे आ सके फिर। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मैं दूंगा क्लास के बाद, बट अभी इसको नोट करो क्योंकि अभी क्वेश्चंस में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। नो आदर्श, लीडिंग डायगनल वो क्या होता है, प्रिंसिपल डायगनल को ही लीडिंग डायगनल भी बोलते हैं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगनल होता है ना, तो हम कौन सा वाला देखते हैं, ए आई जे वेर आई इज इक्वल टू जे, aij where i is equal to j, that is called as the leading diagonal or the principal diagonal. Ha, fifth point ke use note kar lijiye sab koi. Ashish, aapko awaaz aa rahi hai, aapne to apna audio on nahi kiya hua hai. Ashish, awaaz aa rahi hai aapko? Bolna to ek bar chat mein yes no karo. देखो ऑन करके अटेंडेंस के लिए रिमूव करने के बाद इसको पता चलेगा कि इसका ऑडियो ऑन नहीं था और सर को पता चल गया और सर ने रिमूव कर दिया। आनंद, उसके ऊपर का नहीं आएगा केस, ठीक है। आइडिया तो लगी क्या होगा, वैसे पहले वाले में कांस्टेंट है, अगले वाले में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल ए प्लस बी प्लस सी आया है, जब डिग्री 2 था, मतलब जब डिफरेंस 2 आया, तो अब हम जो भी लिख रहे हैं वो 2 डिग्री वाले टर्म्स है। ठीक से ऑब्जर्व करो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, तो ये सब 2-2 डिग्री वाले टर्म्स है,
तो अगर इन जनरल अगर m का वैल्यू 3, 4, 5 आएगा तो हमको उसी के अकॉर्डिंग वो लिखने पड़ेंगे, बट वो आएगा नहीं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो शुरू करें क्वेश्चन से पहले। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा सर, क्या कह रहे हो? हो गया सर। चलिए अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए जैसे आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन जो है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, 1, 1, देन वी हैव ए बी सी, देन वी हैव ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। मुझको इसको लिखना है फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है? मैं इसको लिखना चाहता हूँ फैक्टर के फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर आप इसका लीडिंग डायगनल का वो डिग्री देखोगे, डिग्री ऑफ लीडिंग डायगनल, तो यहां पे क्या दिख रहा है, 1 इंटू बी इंटू सी स्क्वायर लीडिंग डायगनल। तो 1 इंटू बी इंटू सी स्क्वायर कितना, मतलब b के ऊपर पावर 1, c के ऊपर पावर 2, तो सम कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आप यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या देख सकते हो कि जब हम a के जगह पे b रख देते हैं, a के जगह पे b रखने से कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, तो वहां से एक फैक्टर निकल कर आ गया a माइनस b। सिमिलरली अगर हम b के जगह पे c रख देते हैं तो कॉलम 2 इज सिमिलर टू कॉलम 3, तो वहां से b माइनस c विल बी आवर अनदर फैक्टर। उसके बाद a इज इक्वल टू c रख देते हैं, कॉलम 1 इज सिमिलर टू कॉलम 3, वहां से हमको a माइनस c एक फैक्टर मिल गया, ठीक है? तो यहां से 3 फैक्टर्स आ गए। अब आपको यहां पे क्या देखना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, ये कितना हो रहा है डिग्री, तो एक लीनियर दूसरा तीसरा, तो ये भी 3 हो गया। तो अगर हम यहां पे डिफरेंस की बात करें तो यहां पे डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें, 0 है ना। तो आपको पिछले वाले साइड में क्या बोला हुआ है कि जब डिफरेंस 0 होता है तो उस केस में हमको बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि खाली कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके काम होगा नहीं, हमको उसमें उस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो कहने के लिए जो मेरा डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू के इनटू, ठीक है, ये जो 3 फैक्टर्स है, पहले तो उन 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड ए माइनस सी, और उसके साथ हमने एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको यहां से उस के का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है? अब आपको यहां से इस के का वैल्यू निकालना होता है। एक बार मैं इस डिटरमिनेंट की भी वैल्यू डाल दूं, तो दिस इज 1, 1, 1, ए बी सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर,
ठीक है। अब यहां पे होता क्या है गाइस कि नाउ दिस इज लाइक एन आइडेंटिटी। अब जो ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तब वहां पे आप x और y का कुछ भी वैल्यू रखो वो हमेशा सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी दिस विल एक्ट एज एन आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पे एक बी सी का कोई भी वैल्यू रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑलवेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर हम लोग ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। आप देखो अगर आप फैक्टर फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये दिख रहा होगा निधि कि हम इसको चाहे तो ब्रैकेट्स को रिमूव करना है तो हम मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल टर्म्स लिख सकते हैं, बट अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये a माइनस सी के जगह c माइनस होगा तो सब ये कॉन्स्टेंट टेक केयर कर लेगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आएगी। हो सकता है किसी ने c माइनस से लिखा हो, मैंने a माइनस से लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे k का वैल्यू दिख जाएगा। इज दिस क्लियर? तो अब हमको यहाँ पे k का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप विल बी to find the value of k. और k का value आप कैसे निकालोगे? So by putting some random and easy values of A, B, C. Because कहने के लिए ये एक तरीके से आइडेंटिटी किसके टर्म्स में बना हुआ है? A, B, C के टर्म्स में बना हुआ है। आदर्श आप ये कह सकते हो कि जितने भी इस तरीके के फैक्टर्स के फॉर्म में होंगे ना, जितने भी, अगर वो एक इस तरीके का साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि यू कैनॉट यूज दिस फॉर योर बोर्ड क्वेश्चंस। वहां पे हमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगाकर एक पॉइंट पे मैक्सिमम जीरोस बनाकर हमको प्रॉपर एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। किसमें सर जैसे बोर्ड में बनाकर और वेरीफाई करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वेरीफाई करने के लिए तो बिल्कुल सर, बोर्ड में इसको वहां वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो। यार देखो, वहां पे ऑब्वियसली आप लोग उस पोजीशन पे रहोगे कि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने पहले नॉर्मल मेथड से उसको पूरा कैलकुलेट किया, फिर इस मेथड से आपने फैक्टर्स निकाले, फिर कांस्टेंट निकाला, कांस्टेंट की वैल्यू निकाले, फिर वेरीफाई करोगे, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, अब यहाँ पे एबीसी का आप कोई रैंडम वैल्यू चूज कर लो, बट हाँ ऐसा चूज करो, ये नहीं करना कि सब जीरो लगा दिया। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि k का वैल्यू नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k की वैल्यू निकालने के लिए हम अपना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो भी वैल्यू हमें रखना है हम वो रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अब हम क्या रख सकते हैं, वी कैन गो फॉर बहुत सिंपल वैल्यूज ले लेता हूँ। लेट्स से a का वैल्यू 1 ले लिया, तो b का वैल्यू -1 ले लिया, और c को 0 रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, c को 0 रख लिया। तो इसके कारण आप देखो कि मेरा डिटर्मिनेंट का क्या बन जाएगा, वो तो दैट विल बी 1 1 1। यहां पे मैंने रखा है 1 -1 0, सो 1 -1 0, और स्क्वायर करोगे तो 1 1 0 रहेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a माइनस b b माइनस c a माइनस c। So k times of, अब a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा तो 2 हो जाएगा, b माइनस सी का वैल्यू कितना होगा तो -1 हो जाएगा, a माइनस सी का वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा। और इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लीजिए, मान लो मैं कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करने से हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 मिल रहा है, और यहाँ पे -2k मिल रहा है, तो 2 इज इक्वल टू -2k, k का वैल्यू इज इक्वल टू -1 हो गया, k का वैल्यू इज इक्वल टू
माइनस वन हो गया। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि अगर हम उसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो आएगा माइनस वन इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। माइनस को लास्ट वाले में डाल दो ए माइनस सी में तो सी माइनस ए हो जाएगा। तो प्रॉपर एक तरीके से वहां भी साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इज दिस क्लियर गाइस? बताओ बात समझ में आया है? आई थिंक जितने लोगों ने आरडी शर्मा सॉल्व किया होगा उनको ये क्वेश्चन तो दिखा होगा। हाँ हाँ सिद्धांत, सी थ्री के अलोंग एक्सपेंड किया हूँ क्योंकि उसके अलोंग सबसे ज्यादा जीरो दिख रहे थे। फिर यहाँ देखा मैंने वन इंटू वन वन रख गया, फिर माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन हमारा प्लस वन हो गया, इसलिए वो उसके अलोंग किया। ठीक है गाइस? ओके, तो बाकी इस तरीके के जो आसान क्वेश्चन होंगे वो आप आरडी शर्मा में आपको ये वाले कॉन्स्टेंट वाले मिल जाएंगे, आप उस वहां से एक बार वापस गो थ्रू कर लीजिएगा। हम बढ़ते अब कुछ अलग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? जैसे कि एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। Done. Good. मैं भी यहाँ पे साथ ही साथ शुरू कर देता हूँ, ठीक है? It's very simple ना, because यहाँ पे मैंने जो आपको question दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि x के जगह पे हम रखेंगे पहले 1, क्योंकि वहां पे x माइनस वन दिख रहा है कि नहीं, वहां x माइनस वन दिख रहा है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना हो रहा है देखना। तो वी आर गेटिंग 2 2 2 3 3 3 5 5 5। तो मैं ये कह सकता हूं ना यहाँ पे कि रो वन, रो टू एंड रो थ्री तीनों के तीनों आइडेंटिकल हो गए। रो वन, रो टू, रो थ्री तीनों के तीनों आइडेंटिकल हो गए। याद कीजिए गाइस, जब हम प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे
तो ये प्रॉपर्टी नंबर थ्री मैंने आपको बोला था नोट करने के लिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपने एक्स के जगह पे ए रखा और उसके कारण आर नंबर ऑफ रोज आइडेंटिकल हुए, तो उस केस में आपका फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस ए टू द पावर आर माइनस वन, मतलब जितने भी रोज आइडेंटिकल बनते हैं उससे एक कम पावर लगता है। तो यहाँ पे अगर उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक्स के जगह पे वन रखने के बाद तीन रोज आइडेंटिकल निकल कर आए, राइट, हियर आर वन आर टू आर थ्री आर आइडेंटिकल। अब क्योंकि तीन रोज आइडेंटिकल आए हैं सो देयरफॉर एक फैक्टर हमारा क्या बन गया, एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिमिलरली आई थिंक इतना तो फिगर आउट कर चुके होंगे, सिमिलरली एक्स माइनस एक्स प्लस नाइन, मतलब एक्स के जगह पे हमको माइनस नाइन रखना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्स के जगह पे माइनस नाइन रखने से भी हमारा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो हो रहा है, उसमें एक रो कॉलम हो रहा होगा क्योंकि उसमें पावर नहीं है, वो आप चेक कर लेना। तो यहां से हमें दिख रहा है कि एक्स प्लस नाइन इज अ फैक्टर, तो कहने के लिए हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा तो दैट डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस नाइन। लेकिन क्या मेरे को यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा, क्या यहीं पे खत्म हो जाएगा, नहीं, मुझे कांस्टेंट का वैल्यू भी तो निकालना है, क्योंकि अगर मैं एक बार आप लीडिंग डायगनल्स को देखूं यहाँ पे तो लीडिंग डायगनल में तीन लीनियर है तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा तो नहीं आ रहा है कॉमन, क्या सर वो आइडेंटिकल नहीं आ रहा, एक बार पुट कीजिए ना नाइन, उसमें माइनस नाइन पुट करने पे सर नहीं आ रहा। ये हो जाएगा माइनस एट टू टू, फिर यहाँ पे थ्री माइनस सेवन थ्री, उसके बाद फाइव फाइव माइनस फाइव, अगर हम वहां पे थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम कॉलम वन में कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कर दे, देखो अंजन इसमें अगर हम डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, बट अगर हम इसके बाद कॉलम वन चेंजेस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दे तब तो हो जाएगा ना, कॉलम वन के जगह पे कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री ये ऑपरेशन लगा दोगे तो क्या दिख रहा है मेरे को, जीरो दिख रहा है ना, माइनस एट में तीन और पांच जुड़ेगा जीरो हो जाएगा, टू में माइनस सेवन और पांच जुड़ेगा जीरो हो जाएगा, टू में थ्री और माइनस पांच जुड़ेगा जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपका कॉलम वन के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो फिर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। यस सर। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो होना ही है, ठीक है। यस हाँ, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस नाइन, लेकिन इसके साथ ही साथ गाइज मेरे को के लगाना पड़ेगा। सिर्फ के क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे फैक्टर्स का डिग्री भी तीन आया है और मेरे क्वेश्चन में जो डायगनल जो लीडिंग डायगनल के एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट भी तीन आया है, तो फिर आप यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे एक्स की कोई ईजी वैल्यू डालकर, बोलो आप यहाँ पे पुट सम वैल्यू ऑफ एक्स, से आपने जीरो ही पुट कर दिया, एक्स के जगह पे जीरो ही पुट कर दिया, देन आपको चेक करना होगा, आपको चेक इफ के इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन और नॉट, चेक के इज इक्वल टू वन और नॉट, अगर के का वैल्यू वन आता है गाइस, अगर k का वैल्यू 1 आता है तभी ये प्रूफ होगा कि दिस इज ट्रू, अगर k का वैल्यू 1 नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा, मतलब मान लो k का वैल्यू 2 आ गया तो उस केस में हमारा इसका फाइनल
फॉर्म क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 9 निकल कर आएगा ना, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 9, ठीक है। तो बस इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा। एम आई क्लियर आउट हियर, आ रही है बात समझ में? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दिव्या, आद्या, रवि, सिद्धांत, सपोज इफ m इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ abc? एक्चुअली ये जो आए थे ना टर्म्स, दीप वहां पे क्या रहता है, आपको ये ऑब्जर्व करना होता है कि एक्चुअली में रिपीटिशंस किस पे हो रही है। जैसे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा है जो जैसे x प्लस वन, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे लीडिंग डायगनल्स के हम एलिमेंट्स को देखते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, हमेशा लीडिंग डायगनल के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो वी हैव x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस फोर, तो बेसिकली योर a इन दिस केस विल बी x प्लस वन, b विल बी x प्लस टू एंड c विल बी x प्लस फोर, ठीक है। b विल बी x प्लस वन, a विल बी x प्लस वन, b विल बी x प्लस टू एंड c विल बी x प्लस फोर। ओके, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। बस आपको देखना होता है कि वो कौन सी चीज है जो पैटर्न में रिपीट हो रही है। जैसे कि वहां पे मैंने केस लिया था, जैसे यहां देखो, यहां दिख रहा है कि मेरे पास तीन वेरिएबल्स है x, y, z, हम इन्हीं को चेंज कर रहे थे ना, इन्हीं को चेंज कर रहे थे। पिछले वाले में ये मत देखना, a का वैल्यू ये मत देखना, आप देखो कि आप कौन से वैल्यूज डाल रहे हो। जैसे यहाँ पे a का वैल्यू विल बी 1, a का वैल्यू विल बी 1, देन b का वैल्यू विल आल्सो बी 1 एंड c का वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। अंजन, यहाँ पे ये फैक्टर रहेगा ना,
तो ये बताओ मेरे को इसमें आपकी वैल्यूज क्या निकल कर आई हैं, के और एल का वैल्यू क्या निकल कर आया है? सर हम इसको मतलब कि ये तीनों फैक्टर है ना, तीनों फैक्टर को इक्वल टू के कर लिए, तो के का वैल्यू -1 आ गया, और वो माइनस नहीं वन नहीं नहीं गलत, उधर गलत होगा क्योंकि इसमें इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आप पहले फैक्टर का फंडा लगाओगे तो ये 3 आ रहे होंगे, ठीक यस है? सर और यहाँ पे कितना हुआ सम, डिग्री का 3 हुआ, थ्री यहाँ है पे 3 हुआ, जबकि यहाँ पे देखो कितना है, 5 है, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 2 का। का। तो अगर डिफरेंस आया 2 का तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो के और एल यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। दीप बेसिकली हम कैसे ऑब्जर्व करते एबीसी का वैल्यू, ठीक है गाइस सबको यहाँ सुनो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि पिछले वाले फैक्टर में क्या था, पिछले वाले में ना समझाने के टाइम पे यहाँ ना मैट्रिक्स कट गया है, मैट्रिक्स कटा हुआ है तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि ये अगर हम एम का वैल्यू 1 या 2 आता है तो ये एबीसी क्या है, ठीक है? ये एबीसी क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जब हम एक्स के जगह पे वाई रखते हैं, ठीक है, एक्स के जगह पे वाई रखने से R1 इज कमिंग आउट टू बी सिमिलर टू R2, R1 इज सिमिलर टू R2, सो एक्स माइनस वाई एक फैक्टर हो गया, सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू जेड रखते हैं तो R1 इज सिमिलर टू आइडेंटिकल टू R3, सो एक्स माइनस जेड इज अनादर फैक्टर एंड देन वाई इज इक्वल टू जेड करते हैं, सो R2 एंड R3 कम्स आउट टू बी सिमिलर, तो दिस टर्न्स आउट टू बी अनादर फैक्टर फॉर मी, सो माय फाइनल फैक्टर फॉर्म विल बी, यू कैन से इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड। लेकिन यहीं पे काम खत्म नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पे हमारे फैक्टर्स का डिग्री आ रहा है 3, लेकिन अगर आप लीडिंग डायगनल को ऑब्जर्व करते हो गाइस तो लीडिंग डायगनल में क्या फंडा चल रहा है, अब यहाँ पे पावर हो रहा है y का स्क्वायर है और z का क्यूब है तो पावर हो गया 5, तो अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, m का वैल्यू 2 आया, m का वैल्यू 2 आने के कारण अब यहाँ पे एक और मल्टीप्लीकेशन होता है। अब वो मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में एवरीवन ध्यान से सुनना, हाउ डिड वी ऑब्टेन दिस, आपको जब वो साइक्लिक सिमेट्रिक फॉर्म समझा रहा था ना मैं, साइक्लिक सिमेट्रिक फॉर्म क्या कहता है, वो कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be in cyclic symmetric form if each row is obtained from the first row by changing the variables cyclically. तो जैसे कि यहां पे अगर हम देखें इस जगह पे ये मेरा पहला रो है, x के जगह पे हम लोग y रखते हैं, या x के जगह पे y रखते हैं तो रो 2 निकल के आ जाएगा, एक्स के जगह पे जेड रखते हैं तो रो 3 निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम जिस वेरिएबल को मान रहे हैं उसको आप ए की तरह ट्रीट करोगे, उसके बाद उसके जगह पे हमने वाई रखा तो बी के जगह पे कह सकते हैं वाई आ गया, मतलब एज पर आवर जो मैंने आपको वो फॉर्मूला लिखवाया है उसके हिसाब से इन दिस पर्टिकुलर केस ए के जगह पे एक्स आ गया, ठीक है? और फिर हमने x के जगह पे y रखा तो हमें रो 2 मिल गया, तो b जो था वो यहाँ पे y बन जाएगा, सिमिलरली c जो था वो यहाँ पे z बन जाएगा, ठीक है? तो हम अभी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग विद k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस l टाइम्स ऑफ, कोई एक कॉन्स्टेंट है एक्चुअली l, हाँ, अगेन दिस विल बी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है? तो अब मेरे को कहने के लिए यहां से के और एल का वैल्यू निकालना है, के और एल का वैल्यू निकालना होगा। बोलो ये पार्ट तक समझ में आया है क्या? दीप
निधि, राघवेंद्र, सिद्धांत, रिया, आदर्श, ये वाला पार्ट समझ में आया? दिस पार्ट, ठीक है? सो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एल, एंड दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट स्लाइटली, नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, थोड़ा सा लेंथी जाएगा. सो नाउ आई कैन से दैट माई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विच वॉज, अब मुझे पता है कि ये जो, लेट से पहले एक बार लिख लेता हूँ. तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, देन वी हैव एक्स क्यूब, वाई क्यूब एंड जेड क्यूब. दिस एंटायर थिंग इज नाउ इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स, ठीक है? अब हमको यहां से के और एल का वैल्यू निकालना. अब गाइस दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना, यू कैन से दिस थिंग, दिस इज एन आइडेंटिटी, जो मैं कह रहा था पहले भी, दिस इज एन आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिकली हमने कहने के लिए एक्स वाई जेड ही ऑर्डर चेंज कर रहे हैं अपना, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड. तो अब हमको के और एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड के कुछ रैंडम इजी वैल्यूज रखने पड़ेंगे, रैंडम इजी वैल्यूज रखने पड़ेंगे, ठीक है? नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू रखते हैं, लेट्स से 0 1 2 रखती है, 0 1 2 रखती है, तो मेरा एल एच एस में क्या रहेगा, एल एच एस में आई विल बी हैविंग अ सिंपल नंबर. आर एच एस में क्या रहेगा, तो आर एच एस में वो के साथ तो नंबर मल्टीप्लाई होगा, एल के साथ भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, बट अल्टीमेटली माई आर एच एस विल बी हैविंग टू वेरिएबल्स. यस, आर एच एस में दो वेरिएबल रहेंगे, के भी रहेगा, एल भी रहेगा. के ऊपर पावर वन है, एल के ऊपर पावर वन है. तो बेसिकली आफ्टर पुटिंग सम रैंडम वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, वी विल बी हैविंग समथिंग लाइक अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमको कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. तो आपको यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ एक्स वाई जेड का एक केस रखने से नहीं होगा, आपको एक और वैल्यू रखना पड़े, एक और कह सकते हो एक और इक्वेशन बनाने के लिए हमको एक्स वाई जेड का कुछ और वैल्यू रखना पड़ेगा. तो वहां से मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आएगा, किसके टर्म्स में, एक्स वाई जेड के टर्म्स में, के और एल के टर्म्स में, और फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. बात समझ में आ रही है? अगर आप x को जीरो पुट कर दे रहे हो तो आप कह रहे हो कि l इज इक्वल टू, इफ यू पुट x इज इक्वल टू जीरो देन l तो जीरो हो जाएगा. कैसे, x को जीरो पुट करने से, यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है मैंने, ये एक्स वाई प्लस वाई एक्स नहीं होगा, ये वाई जेड है, एक्स वाई प्लस ये वाई जेड है, वाई जेड जेड ही लिख रहा था, शायद x लिखा गया, ठीक है? तो अब नहीं होगा दीप, बात समझ में आ रही है गाइस? अब हाउ मच टाइम डू वी हैव, ओके तो टाइम तो हो गया, बट मैं एक काम करता हूं, अगर हम यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू, चलो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि आप जब यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू, when x is equal to 0, y is equal to 1 and z is equal to 2 रखते हैं, कैलकुलेशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ. सर ऐसा कर सकते हैं कि एक केस में, जैसे यही केस है, सेकंड केस में सेम वैल्यू ले, बस x की जगह पे y को 0 ले ले और x को 1 ले ले, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस इतना ध्यान रखिएगा कि हाँ कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है?
बट आप x के जगह पे 1 रखोगे, y के जगह पे 0 रखोगे, कैलकुलेशन में कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो रो 1 में x था, रो 2 में y था, तो ऑब्वियसली उसके कारण चेंज आएगा जब आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे होगे तो, ठीक है। तो गाइस जब आप x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 2 रखते हो तो आपको इक्वेशन मिल रहा है 5k प्लस 5k प्लस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 2, 2l इज इक्वल टू 10, 5k प्लस 2l नहीं, 10 नहीं है ये, दिस इज कमिंग अप टू बी 2, ठीक है। यहां से एक इक्वेशन आया, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन डालना पड़ेगा। तो अगला इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1 रख रहे हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू -1 रख रहे हैं। y और z का वैल्यू एक, हाँ ठीक है, माइनस पर रख रहे हैं। सो इस केस में क्या होगा, देन एक और इक्वेशन आएगा, दैट इक्वेशन विल बी दिस विल कम आउट टू बी 2 के आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा अपना 0, 2 0 हो गए, एक माइनस आएगा, तो माइनस एल सर, बट वैसे करने से आइडेंटिकल इक्वेशन आ गया, दोनों केस में सेम ही इक्वेशन आ गया, ना सेम ही इक्वेशन आ गया। वन जीरो जीरो, वन वन माइनस वन, यहाँ पे रहेगा हमारे पास माइनस टू, लेकिन यहाँ पे एक टू आ रहा है, तो माइनस टू बाई टू विल गिव मी माइनस वन, ठीक है। तो नाउ आई नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सेकेंड इक्वेशन को डबल करके ऐड करना है, तो बेसिकली यू विल गेट 9k, यहाँ पे 9k इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, 9k इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 0 आ गया, फिर k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो l का वैल्यू 1 आ गया। तो दिस इज आई एम जस्ट डूइंग सॉल्विंग ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ना चाहे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना है कर लो, k का वैल्यू 0 और l का वैल्यू 1। दिव्या पूछे सर इस आइडेंटिटी का यूज, दिव्या अल्टीमेटली यूज इन द सेंस वी यूज इट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k एंड l, we use it to find the values of k and l, and उसके लिए हम x y z का कोई भी value रख सकते हैं, क्योंकि एक identity है, so this will be true for all the values of the variables involved. तो यहाँ पे x y z variables है, k और l हमारा constant है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो k का value 0 आ गया, l का value 1 आ गया, तो इसको observe करो guys, ये जो circle किया हुआ है, k का value 0 आने के कारण ये वाला factor तो गायब हो गया, बचा क्या, l का value हमारा कितना आया है, 1 आया है, तो l का वैल्यू 1 आने के कारण हम फाइनली ये कह सकते हैं कि देयरफॉर माय डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x इनटू xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। अब समझ रहे हो ना कि अगर k का वैल्यू मान लो 1 2 आ जाता, k का वैल्यू 1 2 आ जाता, तो उस केस में x square, y square, z square वाले टर्म्स भी रहते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आसान था क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया कि आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि हमारा k कहीं ना कहीं जीरो होना था, ठीक है। बट यू कैन सी दैट दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट फैक्टर थ्योरम,
एंड व्हेन द डिफरेंस इज 2 दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. पता चल गया होगा कि हमको कहीं ना कहीं दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तब जाकर काम बनता है. सेकेंड वैल्यू पुट के उसके से मेरा इक्वेशन 2k-l=1 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है. लेकिन यहां अगर देखोगे, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते तो मेरा पहला रो में 100 हो गया. फिर मैं मन में पहले रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा था. ठीक है, तो सेकेंड में आ रहा है 111, थर्ड में आएगा 1 1-1. तो बेसिकली ये होगा -1 × -1 -2 हो जाएगा. अगर आप वहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वहाँ -2 आएगा. और ये x-y, y-z और x-z वहाँ पे वो वैल्यू डाल के देखो, वहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है एक जगह पे. कहाँ पे? वो y-z वाले जगह पे 2 बन रहा है. तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 आया, यहाँ पे 2 आया, तो इसलिए -2/2 आएगा -1. तो मेरा इसलिए कैलकुलेशन में वो -1 दिख रहा है. एक बार चेक कर लेना. ठीक है निधि. और अल्टीमेटली हमारा L का वैल्यू, K का वैल्यू 0 भी आ रहा है और L का वैल्यू 1 भी आ रहा है. तो वो कहीं ना कहीं जो हमें प्रूफ करना है वो मेरे पार्ट को भी जस्टिफाई कर रहा है कि मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे सही है, वरना मैं प्रूफ वाले पॉइंट पे पहुँच ही नहीं पाता. ठीक है, am I clear guys? Do you have any doubts? समझ में आया? Now this is something which you have to practice थोड़ा सा, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए questions को लेकर. मैं कुछ questions भेजूंगा इसके ऊपर. बोलिए. कोई डाउट है किसी को? हाँ गाइस, चलो फिर एक काम करते हैं. जस्ट स्टे विथ मी फॉर 10 more minutes, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको कितने क्वेश्चन दे सकता हूँ, 5-10 क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलरली फैक्टर थ्योरम के ऊपर होगा. वी हैव अ क्लास. हाँ सर, x-y-1 हो जाएगा. और सर y-z-2 होगा. +2 होगा सर. y1 है और z-1, तो -1 हो गया ना. है 1 - -1, तो 1+1 नहीं हो गया वो. देखो यहाँ दिखा देता हूँ, y-z, तो 1 - -1 कितना हो गया? ओके. अब आपको ना बस एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3, व्हिच इज बेस्ड ऑन. तो वही तो ये 2 और वो -1, तो -2 इधर भी आया, -2 उधर भी, तो वैल्यू +1 आ जाएगा ना. यहाँ पे मैं कुछ मिस करके आ गया.
Okay, so there's one slight mistake here. And that mistake is not in this equation, but in the first one, I think. फर्स्ट इक्वेशन को चेक करना था, फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ी सी गलती हो रही यहाँ थोड़ी सी तो बेसिकली यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है. हियर वी हैव अ माइनस टू, हियर वी हैव अ प्लस. तो दैट इज वाई जब हम सेकेंड इक्वेशन को डबल करके पहले इक्वेशन में ऐड करें तो कॉन्स्टेंट जीरो हो रहा है, ठीक है. ओके okay. हाँ ठीक है गाइस, पीपल हैव लेफ्ट, हो गया है 2 घंटा. मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्लाइड्स बना के रखा हुआ था, जा नहीं पाए वहाँ पे. हाँ आनंद, अच्छी बात है, स्टिल एक बार गो थ्रू करेंगे. तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंदर ही आता है वो चीज, एंड देन को फैक्टर्स एंड एडजॉइंट के ऊपर क्या है वो वाली चीज हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है. ठीक है फिर गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन हियर. क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा, उसे सॉल्व कीजिएगा. हाँ आदर्श, कर लेना कर लेना कर लेना. ठीक है फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट.